हेलो बच्चों, आज की प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर से है। देखिए क्या है प्रॉब्लम। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। किसी स्फीयर के अंदर जिसकी रेडियस गिवन है, अगर एक मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन इंस्क्राइब किया जाए तो उस कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये एक स्फीयर है और इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब किया गया है। जो रेडियस ऑफ स्फीयर है दैट इज आर, कैपिटल आर। ये कैपिटल आर हुआ। अगर ये सेंटर है ओ, दिस पॉइंट इज ए बी एंड सी। ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है। अगर हम ये डिस्टेंस OC, इसको हम स्मॉल x ले लें, तो जो हाइट ऑफ द कोन होगा दैट विल बी r प्लस x। और रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेडियस इज सपोज स्मॉल r। तो जो ट्राइंगल OBC है, अगर हम देखें ट्राइंगल OBC, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी आर टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर हम इसको v से रिप्रेजेंट करें तो v विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर h। h इज द हाइट ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द कोन इज आर प्लस एक्स। तो हाइट ऑफ द कोन अगर हम ले लें आर प्लस एक्स। नाउ अब वॉल्यूम दो वेरिएबल में है आपका, आर और एक्स में, जबकि हमें इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना है क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करना है। तो एक वेरिएबल होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहां से आर स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू। तो दिस विल बी 1/3 पाई और स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू होगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। अब ये जो वॉल्यूम है ये सिंगल वेरिएबल एक्स की फॉर्म में है, कैपिटल आर इज ए कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डीवी बाई डी एक्स इट विल बी 1/3 पाई, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर ले, फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा इंटू वन। आर जीरो होगा और एक्स का डेरिवेटिव वन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया गया, प्लस सेकेंड फंक्शन आर प्लस एक्स एज इट इज रहेगा। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो होगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। दिस विल बी माइनस टू एक्स। सिंप्लीफाई करें इसको, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू आर प्लस एक्स। आर प्लस एक्स को यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/3 पाई आर प्लस एक्स हमारा कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या हमारे पास आर माइनस एक्स माइनस टू एक्स, एंड दिस विल बी 1/3 पाई आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस थ्री एक्स। नाउ क्योंकि वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है और मैक्सिमम करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा दैट शुड बी जीरो। तो डीवी बाई डी एक्स इट विल बी जीरो। अगर ये जीरो होगा तो आइदर आर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो और आर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। तो आर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो होगा या फिर आर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ r और यहां से x की वैल्यू आएगी r बाई
3, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि r इज पॉजिटिव, रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो द वैल्यू ऑफ x इज r बाई 3, ये x की वैल्यू है ना। अब सेकेंड डेरिवेटिव ले लें अगर, तो सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 1/3 पाई, और इसमें फर्दर प्रोडक्ट रूल यूज करें तो r प्लस एक्स एज इट इज, r माइनस 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 3, प्लस r माइनस 3x एज इट इज, और r प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट विल बी 1, तो ये 1 हो जाएगा। नाउ ये 1/3 पाई, ये माइनस 3r प्लस r, तो माइनस ऑफ 2r, ये माइनस 3x और माइनस 3x माइनस 6x, तो दोनों ही टर्म हमारी नेगेटिव है, तो दिस इज नेगेटिव, तो इट मींस मैक्सिमम है वॉल्यूम व्हेन x इक्वल टू r बाई 3। नाउ वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन है हमारे पास, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, और यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज आर बाई 3, तो दिस विल बी आर स्क्वायर बाई 9 इंटू आर प्लस एक्स, आर इज आर एंड x इज r by 3, तो ये बना आपका 1/3 पाई, ये 9 LCM आएगा, 9 r square minus r square, 8 r square, तो this will become 8/9 r square into, and this is 4r/3। हमें प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, तो 8/27 को अलग कर लेते हैं 8/27, 9 × 3 = 27 इंटू ये 4/3, दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू आर, दिस इज आर क्यूब, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो दिस विल बी 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।